हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज कल की क्लास हम लोग हाइपोथेसिस क्या है, उसके सोर्सेस क्या है एंड और उसके एक गुड हाइपोथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो पढ़ा था। आज मैं आप लोगों के लिए टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस लेके आई हूँ एंड हाइपोथेसिस को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं ये, क्योंकि मैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी लेके आने वाली थी बट मैंने देखा कि वो हमारा 6C में जब स्टैटिस्टिकल पोर्शन शुरू करेंगे तब वहाँ पे है, तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया और अभी मैंने सिर्फ हाइपोथेसिस के टाइप्स एंड उसको कैसे फॉर्मुलेट करना है इसको लेकर के आई हूँ। ठीक है, ताकि आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। पहले हम लोग कंसेप्चुअल करेंगे, फिर धीरे धीरे मैं एक ही बार में, क्योंकि थोड़ा सा ये टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर जो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है एंड फिर हम लोग सोचते कि अरे ये कैसे होगा क्या होगा सीख नहीं पाते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया कि उसको अलग ही कर दिया। मैंने ट्राई किया था कि साथ में ही ले लूं बट फिर मैंने सोचा नहीं, ऐसे भी मैं स्लो ही चलती हूँ। मैं ऐसा चलती हूँ कि आप लोगों को टॉपिक्स क्लियर हो जाए। मेरा मोटो ये नहीं है कि मुझे सिलेबस खत्म, फिलहाल नहीं ये है कि सिलेबस खत्म करना है एंड एनी हाउ सब कुछ घुसा देना, नहीं। मेरा मोटो ये है कि मैं आपको समझाते हुए धीरे धीरे चीजों को, एटलीस्ट जितना भी मैं समझाऊं उतने से आपका कॉन्सेप्ट भागे नहीं, उतने से क्वेश्चंस आपका बन जाए, तो ये मैं कोशिश करती हूँ। आई डोंट नो मैं कितना इस पे खड़ी हो पाती हूँ बट हाँ, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ऐसा कर सकूँ। इसलिए मैंने आज जो है वो सिर्फ हाइपोथेसिस के टाइप्स को लेके आई हूँ। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे ये लिखा भी है मैंने कि कैसे हम करते हैं परिकल्पना को फॉर्मुलेशन, यानी इसका उत्पत्ति कैसे होता है, फिर इसको कैसे कैसे हम एनालिसिस करके उसको स्थापित या प्रमाणित करते हैं। तो लाइक जैसे सोच समस्या एक रिसर्च प्रॉब्लम से लेके अब वो चीज को उसको हम लोग सोचे, अपने अलग अलग चिंतन किए, क्रिएटिविटी जो हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ से सोर्स से आता है हाइपोथेसिस का, तो उससे परिकल्पना का उत्पत्ति हुआ। अब दो तरह का परिकल्पना बनाए, एक और दो। अब परिकल्पना से संबंधित जो भी कारक उसका भी खोज कर रहे हैं, यानी अध्ययन कर रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं और फाइनली इन दोनों कारणों का विश्लेषण करने पर, यानी ये दो परिकल्पना लिखो, इनका बहुत एनालिसिस किए, सब कुछ किए, उसके बाद दो एक सत्यता पे आधारित हो गया एक परिकल्पना और एक परिकल्पना असत्य हो गया। तो जो परिकल्पना सत्यता पे आधारित हो गया उसको कहते हैं परिकल्पना प्रमाणित, और जो असत्य हो गया यानी जो फॉल्स हो गया उसको कहते वैसे परिकल्पना को रिजेक्टेड कहते हैं, यानी ये एक्सेप्टेड हो गया और ये रिजेक्टेड हो गया। इसको और डिटेल में हम लोग जब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे कब कैसे टेस्ट रिजेक्ट होता है या क्या होता है। ओके, अब यहाँ से हम लोगों को टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस करना है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में तीन तरीके से बांटा गया है, एक चरों की संख्या के आधार पर, यानी कि हमारे जो वेरिएबल्स है उनका क्या नंबर है क्या बेसिस है उनके आधार पर। ठीक है, पहले डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि भाई बेसिस क्या है, तो उसके अंदर भी दो आते हैं, एक साधारण परिकल्पना और एक जटिल परिकल्पना। एक से मैं पेन टैब लेके आती हूँ, एक एक्चुअली अभी तक हैबिचुएटेड नहीं हुई हूँ ना कि हाँ भाई मेरे पास पेन टैब भी आ गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा इशू होता है, भूल जाती हूँ पढ़ाने के पहले कनेक्ट कर। इस परिकल्पना साधारण परिकल्पना कहलाती है, सीधी सी बात है
वेरिएबल्स के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं, चरों की संख्या के आधार पर, ठीक है। लेकिन जो जटिल परिकल्पना है इसमें दो से अधिक चर के बीच में आपस में टू या टू से मोर वेरिएबल्स में उनके बीच में संबंध देखा जाता है, रिलेशन देखा जाता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ देख लो, अंग्रेजी माध्यम के निम्न उपलब्धि के विद्यार्थियों का व्यतिरिक्त यहाँ पहला सिटिजन लाइन में कितना वेरिएबल है, इंग्लिश मीडियम, दूसरा जो निम्न उपलब्धि के विद्यार्थी है वो हिंदी माध्यम के उच्च उपलब्धि के विद्यार्थी, अब दूसरा वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पे हिंदी मीडियम और उच्च उपलब्धि है हाई अचीवमेंट के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक परिपक्व होता है। इस परिकल्पना में हिंदी अंग्रेजी माध्यम निम्न उपलब्धि स्तर एवं व्यक्तित्व तीन प्रकार के चर सम्मिलित हैं, ठीक है ना। एक तो मीडियम हो गया इंग्लिश और हिंदी, दूसरा निम्न उपलब्धि स्तर एक निम्न देन लो और एक हाई और एक उनका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। ये तरह के तीन जटिल तीन वेरिएबल्स इसमें इंक्लूड हुए हैं और इसीलिए इसको जटिल परिकल्पना कहा जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या है, दो या दो वेरिएबल्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स में क्या है, मोर देन टू वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के नंबर के आधार पर, ठीक है। आई मीन वही जो हिंदी में पढ़े संख्या का चर उसी का इंग्लिश है नंबर ऑफ वेरिएबल, जिसमें पहला तो क्या है सिंपल हाइपोथेसिस जिसमें ऑलरेडी क्या दो वेरिएबल बस सजेस्ट करेगा कौन कौन से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है। और इनके बीच में क्या होगा रिलेशनशिप होगा, when playing job, यानी job और education यहाँ पे दो ही variable हैं, इसको ऐसे आप कहते हैं simple hypothesis। अब आया complex hypothesis, ये क्या यहाँ पे relationship exist करता है variables के बीच में, कि कितने variables के बीच में, जब more than two variables होता है, independent और dependent, जैसे taking drugs and smoking cigarettes lead to respiratory problems, increased tension and cancers। आपको खुद दिखता है कि कितना सारा वेरिएबल्स है इसके अंदर। और देखो द पीपल हु आर ओल्डर एंड लिविंग इन रूरल एरिया आर हैप्पियर देन पीपल हु आर यंगर एंड हु लिव इन द सिटी और सबर्ब्स। अब देखो यहां पे वेरिएबल्स ओल्डर भी है, रूरल एरिया भी है, यंगर भी है और सब सिटी और सबर्ब्स भी है, ठीक है। वेरिएबल्स दो या दो से ज्यादा हैं। उसी तरह से नीचे भी है कि अगर हम हाई फैट डाइट को खाएंगे, वेजिटेबल्स को खाएंगे तो हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। डाइट वेजिटेबल ही क्या हो गया और हाई कोलेस्ट्रॉल और भी रीजन भी वेजिटेबल्स हो गया, उनके मुकाबले जो कि कम जो कि बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं और लो फैट का यूज करते हैं, तो ये इसमें लो फैट हाई फैट वेजिटेबल्स और जो डिजीज है ये सब क्या हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। अब आया स्पेसिफिक रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स उनके आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि विशिष्ट संबंध के आधार पर। सबसे पहला क्या है, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। नाम से पता चल रहा है एक ऐसा हाइपोथेसिस हो या परिकल्पना होगा जो कि क्या है,
कहीं भी यूज हो सकता है, किसी भी, अगर हम कोई दो एक परिकल्पना बनाए दो वेरिएबल के बीच में और वो इन्वर्शन है, इसका मतलब वो परिकल्पना हम हर जगह यूज कर सकते हैं, और वो परिकल्पना के बीच का जो रिलेशन उसके अंदर के जो चर है या जो वेरिएबल्स है उनके बीच में जो रिलेशन होंगे वो क्या होंगे, यूनिवर्सल होंगे। ठीक है, यानी यहाँ लिखा है क्या, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस असर्ट दैट द रिलेशनशिप इन क्वेश्चन होल्ड फॉर ऑल वेरिएबल्स, यानी जो रिलेशनशिप है वो हर चर के लिए बराबर होंगे और स्पेसिफाइड होंगे, विशिष्ट होंगे हर समय के लिए भी और हर जगह के लिए भी। ठीक है, अब जैसे ये देखो सार्वत्रिक परिकल्पना से स्वयं स्पष्ट होता है कि ऐसी परिकल्पना जो हर क्षेत्र और समय में समान रूप से व्याप्त हो, अर्थात परिकल्पना का स्वरूप ऐसा हो जो निहित चरों के सभी तरह के मानों के बीच के संबंध को हर परिस्थिति में हर समय बनाए रखे। क्या बोल रहा है कि जो भी वेरिएबल्स इंक्लूडेड है तो परिकल्पना ये वाला ऐसा होना चाहिए जो दो वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशंस है या जो भी वैल्यूज है उनको एवरी प्लेस एवरी टाइम एवरी सिचुएशंस में सेम रखे। जैसे एग्जांपल ये है स्वरूप उदाहरण के अनुसार कि पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। अब फ्रेंड्स ये क्या है, अधिकांश हर परिस्थिति में लागू होगा कि भाई पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, जब जब रिवॉर्ड देंगे हम सीखेंगे। अच्छा ये क्या यूनिवर्सल होगा क्योंकि रिवॉर्ड और लर्निंग के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप है जो यूनिवर्सल है, हर जगह हर समय यूज कर सकते हैं। एक बच्चा मान लो खेल के समय यूज करा रहे हैं तो उस समय भी यूज कर सकता है, एक बच्चा मान लो कि क्लास में स्टडी के समय करा रहे हैं तब भी रिवॉर्ड देंगे, वो लर्निंग सीखेगा, डांसिंग सीखेगा, कहीं भी हम ये यूज करेंगे तो हर जगह ये हाइपोथेसिस फॉलो होगा, इसीलिए इसको सार्वत्रिक या सार्वभौमिक कहते हैं। नेक्स्ट है अस्तित्व आत्मा परिकल्पना। ये जो बिल्कुल अपोजिट है यूनिवर्सल हर जगह हर समय के लिए यूज हो सकता है, उसी तरह से ये वो परिकल्पना है यदि कोई ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे कम से कम एक व्यक्ति उस परिस्थिति के लिए निश्चित रूप से सही होती है। ठीक है, मतलब कहने का सेंस है कि किसी ने एक लाइक जैसे मान लो रिवॉर्ड देने से बार बार लर्निंग हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा हो गया कि जिसको रिवॉर्ड देने से नहीं लर्निंग हो रहा है, उसको पनिशमेंट दे रहे तब लर्निंग हो रहा है, यानी एक ना एक बालक ऐसा जरूर होगा, तो अब यहाँ उसके लिए हाइपोथेसिस अलग बनाना होगा, तो ऐसे हर हाइपोथेसिस को क्या करें, अस्तित्व आत्म हाइपोथेसिस। ठीक है, यानी ये ऐसा हाइपोथेसिस किसी ना किसी एक पर्सन के लिए क्या है वो सही होगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं अस्तित्व आत्म परिकल्पना। इंग्लिश में लिखा है वन व्हिच स्टेज द रिलेशनशिप व्हिच होल्ड गुड फॉर एटलीस्ट वन प्लेस। ठीक है, एक प्लेस के लिए। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक पर्पस, अब वजह के क्या वजूद है, मतलब क्या वजह है कि किस कारण से हाइपोथेसिस बना रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, तो उसमें क्या होता है शोध परिकल्पना जिसको हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। और इसको हम लोग कार्य रूप परिकल्पना या कार्यात्मक परिकल्पना भी है। और ये रिसर्च हाइपोथेसिस है, सॉरी, ये जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो किसी न किसी थ्योरी पर ही बेस्ड होती है और उन पे आधारित होती है। शोध करता जो है इस परिकल्पना को उद्घोषणा बहुत ही विश्वास के साथ करता है तथा उसकी यह अभिलाषा होगी उसकी यह परिकल्पना सत्य से हो। उससे जो लर्निंग होता है वो मोर टाइम तक और बहुत कॉन्फिडेंस सुदृढ़ होता है, फिक्स होता है, इम्पोर्टेंट होता है। और इस परिकल्पना जो हाइपोथेसिस है लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने से आधारित यह एक शोध परिकल्पना है।
क्लियर है, रिसर्च हाइपोथेसिस है। तो इसमें सीधा सा हम क्या बोल सकते हैं, इसमें ये कि इसको हम लोग टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं और इसी आधार से लेते हैं कि सही हो जाए, सत्य हो जाए। और ये दो रिलेशनशिप के बीच में, दो या दो से अधिक रिलेशनशिप के बीच में क्या बनाता है, संबंध बनाता है, वेरिएबल्स रिलेशनशिप बनाता है। अब जो शोध परिकल्पना है, जो रिसर्च हाइपोथेसिस है, वो दो तरह के होते हैं, दिशात्मक और अदिशात्मक, जिसको कि डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल भी बोलते हैं। दिशात्मक परिकल्पना क्या है, जो किसी एक दिशा में जाएगी, और जो अदिशात्मक परिकल्पना है, जो किसी भी दिशा में नहीं जाती, जो कोई इंगित नहीं करता। लाइक अगर हम डायग्राम बनाए, तो अगर इधर ज्यादा आ रहा है तो ये क्या हो गया हमारा वन टेल, ठीक है, जिसको भी डायरेक्शनल एक साइड से लेकर आके डायरेक्शनल भी बात हो रहा है। और अगर कैसा है, जो इधर भी टिक रहा है और इधर भी टिक रहा है ना, यानी इधर भी है मेरा और इधर भी है, इसको क्या बोलते हैं, टू टेल, यानी नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन ही नहीं बता रहा। डिफरेंस है पर क्या डिफरेंस नहीं बता रहा, बट ये बोल रहा है मोर देन, लेस देन, हायर, तो ये कैसे कीवर्ड्स है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं, जब वो प्रेडिक्शन और हाइपोथेसिस रिलेशन इज टू बी टेस्टेड, ये ध्यान रखना रिसर्च हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, इसका कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या, एक प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट है, जो किसको रिलेट करता है, इंडिपेंडेंट को किसके साथ, डिपेंडेंट के साथ। यानी रिसर्च हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों वेरिएबल एटलीस्ट एक एक तो होने ही चाहिए। और रिसर्च हाइपोथेसिस मैंने पहले क्या बोला है, इट्स स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए, और पहले बता दिया कि ये एक रिलेशनशिप होना चाहिए, और रिलेशनशिप कैसा क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, और समझने लायक होना चाहिए। और रिसर्च हाइपोथेसिस को हम दो भाग में बांटते हैं, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। अब जैसे देख लो, रिसर्च हाइपोथेसिस को हम लोग H1 से भी नोट करते हैं, जनरल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं इसको, एम्पिरिकल हाइपोथेसिस जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटली, सब्सटेंसिव भी, और ऑपरेशनल हाइपोथेसिस। फ्रेंड्स ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो पेपर वन का क्वेश्चन आया था उसमें रिसर्च हाइपोथेसिस ना लिख के सब्सटेंसिव हाइपोथेसिस लिख दिया था, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पता नहीं होता, तो ये सारा नाम इंपॉर्टेंट है, यू कैन नोट इट डाउन। रिसर्च हाइपोथेसिस को जनरल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, एम्पिरिकल भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं, सब्सटेंसिव और ऑपरेशनल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। सीधी सी बात है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, जिसको हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, पहले बनाते हैं, इसमें मोस्टली दो या दो से अधिक रिलेशनशिप वाले वेरिएबल्स होने चाहिए, कम से कम एक तो जरूर होना चाहिए, और ये उसमें इन्वॉल्व होता है जिसमें क्लेम कर सके टेस्ट करने का, ठीक है। अब डायरेक्ट, चूंकि रिसर्च हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं, डायरेक्शनल और एक नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है, जो एक डायरेक्शन बताया स्टूडेंट, डायरेक्शन में एक्सपेक्टेड डिफरेंस, एक डायरेक्शन में एक डिफरेंस बताया। लाइक देखो यहाँ लिखा है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है किसके बीच में, एकेडमिक अचीवमेंट और स्टडी हैबिट ऑफ स्टूडेंट्स। यानी अगर हम इस तरह से ग्राफ बनाए, ये बनाए, तो पॉजिटिव मेरा किधर आएगा, इधर आएगा, यानी इधर बढ़ रहा है ना, तो ये क्या आपको बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। और फिर दूसरा स्टूडेंट विद हाई एंग्जायटी स्कोर बैडली इन एग्जामिनेशन एज कम्पेयर टू स्टूडेंट विद लोअर एंग्जायटी, ये भी एक बता दिया क्या, बुरा स्कोर करेगा, बैडली स्कोर करेगा, तो ये भी क्या हो गया हमारा, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो गया। अब अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का कीवर्ड्स लिख सकते हो, क्या क्या है भाई, हायर, लोअर, मोर, लेस, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, ये सारा कुछ क्या है, कीवर्ड्स डायरेक्शनल का, ठीक है। यानी जो भी रिलेशनशिप आएगा वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है रिसर्च हाइपोथेसिस विद द नॉट स्पेसिफाइड द डायरेक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड डिफरेंस और रिलेशनशिप इज अ नॉन डायरेक्शनल रिसर्च, यानी कोई डायरेक्शन ही नहीं बता रहा था, इधर भी और इधर भी है, तो इसको कहते हैं नॉन डायरेक्शनल। जैसे
There is a difference in the academic achievement of BA students enrolled in open and conventional university. अब यहाँ पे आपने डिफरेंस तो बोला लेकिन कितना डिफरेंस है, मोर डिफरेंस है, लेस डिफरेंस है, इंक्रीजिंग डिफरेंस है, हायर है, क्या है, ये तो नहीं बोला, बस बोला क्या डिफरेंस है, यानी मैंने कोई डायरेक्शन भी बताया, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, क्लियर। तो इसको कहते हैं हम लोग नॉन डायरेक्शनल, जिसको कि टू कहते हैं। ये भी हो सकता है देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन स्कोर ऑन अ रीडिंग टेस्ट, यानी कि बुक पढ़ने और जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं रीडिंग टेस्ट वगैरह उनके बीच में एक रिलेशनशिप है। अब भाई कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है नेगेटिव है ये तो बताया नहीं, सिर्फ बोला रिलेशनशिप है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल, और डायरेक्शनल किसको जब बताते हैं कि हाँ भाई दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। अगर ऐसे इजी वे में समझने की कोशिश करें तो बाई डायरेक्शनल क्या है कि भाई एक ये छोड़ो ये फिर बोलूंगी तो हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, थोड़ा मजाक वाला एग्जांपल देने वाली मैं कोई इतने से ऑलरेडी आई थिंक क्लियर हो गया। यानी इसमें क्या है डायरेक्शन ऑफ द डिफरेंस जो है वो स्पेसिफाइड नहीं होता, ठीक है। यानी अभी तक हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पढ़े जिसके अंदर क्या है सिंपल और कॉम्प्लेक्स, फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप पढ़े संबंध के बेसिस पे पढ़े, जिसके अंदर हमारा क्या आया हाँ यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल, द बेसिस ऑफ रिलेशन यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल, और फिर अब पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, और पर्पस में क्या देखें पहला रिसर्च हाइपोथेसिस सोल परिकल्पना, दूसरा नल हाइपोथेसिस जिसको कि शून्य परिकल्पना पढ़ते हैं, अभी देखते हैं ये बिल्कुल सोल परिकल्पना के विपरीत होता है, ठीक है। इसमें हम लोग चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने का संवेदनशीलता करते हैं, मतलब कोई डिफरेंस नो डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि विज्ञान वर्ग के जो छात्र हैं, जो साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो बुद्धि यानी इंटेलिजेंस है, और जो आर्ट एरिया है, और जो कला वर्ग के स्टूडेंट हैं, जो आर्ट सेक्शन के जो स्टूडेंट हैं, उनके बुद्धि जो है इंटेलिजेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। जब ऐसा बात करते हैं तो उसको हम लोग शून्य पाली करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, शून्य कर दी। तो इसको हम लोग नल परिकल्पना भी कहते हैं, शून्य परिकल्पना। और इसको कैसे रिमूव करते हैं एस नॉट को, रिसर्च हाइपोथेसिस को कैसे रिमूव करते हैं एस वन से, और इसको करते हैं एस नॉट, यानी यूजफुल टूल है सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस को देखने के लिए कि क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इन सिंपल फॉर्म दिस हाइपोथेसिस अदर दैट देयर नो टू डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता हमारे पॉपुलेशन मीन्स में, एंड द डिफरेंस फाउंड बिटवीन सैंपल मीन इज एक्सीडेंटल एंड अनइंपॉर्टेंट दैट इज अराइजिंग आउट ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग एंड बाय चांस, मतलब बोला अगर डिफरेंस आ गया तो वो उसमें कुछ चांस है या फिर किसी ना किसी एरर की वजह से। ट्रेडिशनली नल हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं, जीरो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं, जैसे सिज़ोफ्रेनिक और नॉर्मल पर्सन के बीच में जो स्पैन वैल्यू में मेमोरी है उसका कोई डिफरेंस नहीं है, या नो रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड हाइट, किसी का बुद्धि बढ़ रहा है तो हाइट भी बढ़े, ऐसा कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ऐसा कोई हाइपोथेसिस नहीं है, ये क्या होगा कोई डिफरेंस नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ये भी दो तरह का होता है, एक जो हमको डिफरेंस बताएगा जो रिसर्च हाइपोथेसिस हो गया हमारा, दूसरा जो की रिसर्च डिफरेंस नहीं बताएगा जो की क्या हो गया नल हाइपोथेसिस, ठीक है। यानी एक तो डिफरेंस बता सकता है और एक जो है वो रिलेशनशिप बता सकता है, तो ये चीज है। यानी सोल परिकल्पना के लिए h1 तथा शून्य परिकल्पना के लिए h1 का उपयोग होता है तथा माध्य यानी मीन के लिए x का उपयोग किया जाता है, ये क्या स्टैटिस्टिक्स का हाइपोथेसिस। यानी जब रिसर्च हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस को स्टैटिस्टिकल टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्किंग हाइपोथेसिस, ये क्या सर्टेन
कभी कभी ऐसा होता है कि हम एडिक्वेटली किसी हाइपोथेसिस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते और ना ही कोई नया हाइपोथेसिस को लेके आ सकते। जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो रुक जाता है, अब करना क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में रिसर्चर जो एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन को फॉर्म करता है जो कंटिन्यू हो, जो चलता रहे, ठीक है, चूंकि ये इनएडिक्वेट है लेकिन फिर भी फॉर्मुलेट करते हैं हमारे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसको कि हम लोग वर्किंग हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी सीधा सा वर्किंग हाइपोथेसिस के एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे प्रोसेस के लिए, जिसको कि हम यूज करते हैं ताकि हम अपने रिसर्च में आगे बढ़ सके। जब कुछ समझ नहीं आता तो एक नॉर्मल सा वर्किंग हाइपोथेसिस बना लिए, कार्यात्मक, जिसको कि हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा वर्किंग हाइपोथेसिस, जो कि हमारे अर्ली स्टेज में फॉर्म होता है और उसको आगे काम करते करते जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे अगर लगेगा कि हाँ ये काम का चीज है तो क्या होगा वो हमको चेंज कर सकते हैं, यानी ये यहाँ पे क्या हो सकता है मॉडिफाई किया जा सकता है। हालांकि अपने आप तो तैयार है केवल आगे की जांच के उद्देश्य के लिए, आगे यानी मूवमेंट नेक्स्ट रिसर्च करने के लिए एक कामकाज परिकल्पना बना दी जाती है, केवल जांच की क्रिया में प्रारंभिक बिंदु है फ्रेंड्स, ये इसका कीवर्ड है वर्किंग हाइपोथेसिस का, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब ये तो हम लोग सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ लिए, अब कुछ और है कि हाइपोथेसिस जो है किस किस तरह का फॉर्म ले सकता है, फिर जिटरेटिव फॉर्म ले सकता है, नल फॉर्म ले सकता है और क्वेश्चन फॉर्म ले सकता है, ठीक है। डिक्लेरेटिव फॉर्म ले सकता है, नल फॉर्म ले सकता है और क्वेश्चन फॉर्म ले सकता है। अब जब रिसर्चर ने कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है किसी आउटकम के बारे में तो उस हाइपोथेसिस को कहते हैं डिक्लेरेटिव फॉर्म, और ये मोर ऑर लेस क्या है, डायरेक्शनल है, क्योंकि हम किधर की ओर बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट अपने आउटकम में बढ़ रहे हैं। नल क्या है, जब भी रिसर्चर कोई रिलेशनशिप नहीं बोलता, बोलता है नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट, तो वो क्या होता है, शून्य के फॉर्म है हाइपोथेसिस। अब क्वेश्चन फॉर्म में हाइपोथेसिस क्या है, यहाँ पे इस परिकल्पना को जब हम बनाते हैं तो हम उसे यही पूछते हैं कि उसे हम ये पूछते हैं कि व्हाट द आउटकम विल बी, यानी क्या आउटकम आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये पूछने के बजाय कि क्या एक्सपेक्ट करते हो रिजल्ट, ठीक है। जैसे कि मान लो कि रिसर्चर इंटरेस्टेड इन वेदर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हैज एनी रिलेशनशिप टू टेस्ट एंग्जायटी ऑफ चिल्ड्रन, क्या जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है जो इसके लिए आया है क्या उसका कोई रिलेशनशिप है एंग्जायटी ऑफ चिल्ड्रन के, तो इसके लिए वो क्या करेगा, क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है कि परिणाम क्या होने की उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेड है, इसलिए कि परिणाम क्या होगा, जैसे कि यह जानने में रुचि रहता है कि क्या बच्चों का चिंता का परीक्षण करने के लिए किसी निर्देश का संबंध है या नहीं। अब जैसे यहाँ लिखा भी है एग्जाम्पल मैंने तीनों को अलग अलग दिया है, डिक्लेरेटिव फॉर्म यानी जिसको कि परिकल्पना का घोषणात्मक रूप कहते हैं, उसका एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाना थ्रू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल विल डिक्रीज देयर टेस्ट एंग्जायटी, ठीक है, पॉजिटिव आउटकम है, बच्चों का एंग्जायटी जो परेशान होने लगता है, चिंता होने लगता है, टेस्ट को घट जाएगा अगर बच्चों को प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यानी कर्मादेश अनुदेशन के अनुसार पढ़ाएंगे, तो ये क्या होगा, डिक्लेरेटिव। फिर नल फॉर्म क्या है, जहाँ पे कोई रिलेशन नहीं लिखा है कि बच्चों को प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के थ्रू पढ़ाना उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उनके चिंतन पे या उनके एंग्जायटी, तो ये क्या हो गया, नल फॉर्म हो गया। और तीसरा क्वेश्चन फॉर्म पूछ स्टेटमेंट इन द फॉर्म, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर्म में कैसे स्टेटमेंट को डाल सकते हैं, will teaching children to program structure dictated test anxiety, क्या बच्चों को क्रमनिर्देशित निर्देशन से पढ़ाने से बच्चों की एंग्जायटी में घटाव आएगा, है ना, चिंता कम होगी, तो ये चीज क्या है, ये हमको बताता है क्वेश्चन फॉर्म में स्टेटमेंट, ठीक है। एक बार आखिरी लास्ट में थोड़ा सा देख रहे थे पहले टाइप्स की बात कर रहे थे, वेरिएबल्स के बेसिस पे कितने हैं,
सिंपल और कॉम्प्लेक्स, अगर दो ही है तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स मोर देन टू या दो से रहेगी। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, कैसे स्टैब्लिश होता है, एक यूनिवर्सल है और एक एग्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल यानी कहीं भी इन दोनों के बीच का वेरिएबल हर जगह का होगा, एग्जिस्टेंशियल किसी न किसी एक पे वैलिड कर सकता है। फिर तीसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, जिसके अंदर आया सबसे पहला रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसको कि हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, सब्सटेंसिव भी बोलते हैं, ऑपरेशनल भी बोलते हैं, ठीक है। एच वन से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे रिलेशनशिप होता है, देयर इज रिलेशनशिप, इसको हम लोग टेस्ट करते हैं और रिसर्च चाहता है कि ये प्रूफ हो जाए। दूसरा पर्पस के बेसिस पे क्या था, नल, जिसमें को कि हम लोग एस्ट्रोनॉट से दिखाते हैं, नो रिलेशनशिप, जीरो भी बोलते हैं, जीरो डिफरेंस, ठीक है। तीसरा क्या है, स्टैटिस्टिकल, सांख्यिकी, जब हम लोग रिसर्च और नल दोनों को स्टैटिस्टिकल फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं तो उसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारा अब हम लोग आगे बात करते हैं, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कैसे करना है। इसमें सबसे पहले हमारा जो जनरल एरिया है इंटरेस्ट का, उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। जैसे मान लो हमको यही इफेक्ट करना है कि बच्चों को प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से पढ़ाना है, तो उसपे क्या इफेक्ट होगा उनके टेस्ट एंग्जायटी पे। फिर उन उससे रिलेटेड जो भी आप होते हैं या जो जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख ले कि बच्चों की एंग्जायटी हो और रिसर्च प्रॉब्लम बनाने, तो उससे रिलेटेड रिसर्च क्वेश्चन बना लो कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए हम हाइपोथेसिस को देखें, ठीक है। जो अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन फॉर्म किए थे कि विल टीचिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन will teaching students through mastering learning approach, है ना, या program instruction decrease their test anxiety, ये question आ गया। अब operationally किसको करेंगे, define करेंगे variables को, यानी कि हम लोग पहले अभी mastering learning approach क्या है, anxiety क्या है, इनको क्या करेंगे operationally define करेंगे कि क्या होता है। उसके बाद hypothesis formulate करेंगे, कौन कौन सा, एच वन और एच नो, नल और अल्टरनेटिव, कि हाँ भाई इफेक्ट पड़ता है एक बार और एक बार दिखाएंगे कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। पहले तो नॉर्मल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लिया था, अब इनको डिफाइन करेंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो, चेक करेंगे कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में सर्टेन रिलेशनशिप है कि वैल्यू है कि नहीं, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, वेरीफाई दैट हाइपोथेसिस इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट ग्रुप, यानी सब्जेक्ट ग्रुप होना चाहिए। सब्जेक्ट ग्रुप कौन है भाई, अब यहाँ पे मास्टरिंग अप्रोच जो है वो क्या है, एक मेथड है। एंग्जायटी क्या है, वो बच्चों किसी के अंदर का परेशानी है, तो सब्जेक्ट कौन है, किसके लिए वो हम टेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। हम लोग किस पे टेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट पे टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट ग्रुप हो गया।
क्लियर। यानी रिसर्चर किसकी स्टडी कर रहा है, किसमें पढ़ना चाह रहा है। नेक्स्ट जो हमारा होता है, हम लोग हाइपोथेसिस डिफाइन कर लिए है ना, हम लोग ये भी देख लिए कि सब्जेक्ट ग्रुप है कि नहीं है। अब देखते हैं वेरीफाई दैट अ ट्रीटमेंट और एक्सपोजर इज इंक्लूडेड इन एक्सपेरिमेंट। यानी ट्रीटमेंट कहने कहते हैं कि जो भी वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि नहीं, इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि नहीं, एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, ठीक है। और प्रिपरेशन फॉर एन आउटकम मेजर, यानी ये डिसाइड करेंगे कि कैसा जो है वो हमारा जो भी मेजर करने वाला, भाई हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे तो ये देखना होगा कि हाँ किस तरीके से मेजर करेंगे, कैसे हम उसको एसेस करने वाले हैं, है ना। लाइक जैसे अगर हम यहाँ पे किस फ्रीक्वेंसी से हम टीचिंग मेथड को यूज कर रहे हैं और कैसे बच्चों का एंग्जाइटी घट रहा है, ये सारा कुछ देख करके हम मेजर करने वाले हैं। एंड फाइनली अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप को अंडरस्टैंड करने का मतलब क्या है, प्लेसेबो ग्रुप बोलते हैं। प्लेसेबो ग्रुप मतलब झूठा पील देते हैं कि भाई ये लो सर दर्द का दवा है और हाँ ठीक है, ठीक है। जैसे कि हम उसको बोले कि उसके कान में दर्द है और उसको बोले कि हाँ ये ड्रॉप पानी का बूंद दे दी और बोले ये ड्रॉप डाल दो, ये कान दर्द का दवा है, एकदम डालते ही ठीक हो जाएगा। यानी उसको प्लेसेबो, उसको ये पता नहीं चलने दिया रियल क्या है, कंट्रोल ग्रुप उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वे बिल्कुल सब्जेक्ट ग्रुप की तरह सिमिलर होता है। बस फर्क क्या है, सब्जेक्ट ग्रुप में जो वो ट्रीटमेंट होता है और जो प्लेसेबो ग्रुप है उनमें कोई ट्रीटमेंट यानी उनको कुछ नहीं करते, उनको जैसे का जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी एक बच्चा ऐसा जिन पे हम एंग्जायटी का टेस्ट करेंगे किस मेथड से यूज करके, जो मेथड यूज कर रहे हैं, और एक बच्चा जिस पे कोई मेथड यूज नहीं करेंगे और उस पे एंग्जायटी का टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं हाइपोथेसिस। और फ्रेंड्स ये करने के बाद में भी अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारा हाइपोथेसिस, हम और डाटा या और चीजें कलेक्ट की और हाइपोथेसिस को बदलना चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हाइपोथेसिस को बनाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ जाता है। जनरली हाइपोथेसिस को बनाने से बहुत प्रॉब्लम आता है, जैसे हमको थियोरेटिकल कंटेक्स्ट का क्लियरिटी ही नहीं होता कि भाई कैसे हाइपोथेसिस बनाना है, क्या है क्या नहीं, कैसे इनको यूज करना है ये भी नहीं पता होता। इवन जो हम एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, जो रिसर्च करने जाते हैं, उसके लिए क्या इक्विपमेंट चाहिए, किस तरह का प्रोसेस करना है, इसका भी नॉलेज हमको कमी होता है। और साथ ही साथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं पता होते कि किस तरह से हमको हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है। तो ये सारा किस में आता है, हमारा प्रॉब्लम के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइपोथेसिस को कैसे फॉर्मुलेट करना है, ये 9 स्टेप्स है टोटल। ये टोटल हमारा क्या है, 9 स्टेप्स है। तो ये हो गया हमारा 6B का हाफ पोर्शन खत्म हो गया। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के सामने सिलेबस लेके आई हूँ ये दिखाने के लिए कि देखो मैंने क्या क्या खत्म कर दिया। तो मैंने वेरिएबल्स खत्म कर दिया और हाइपोथेसिस का ये खत्म कर दिया, ठीक है, जो था हमारा। अब मुझे आपसे ये पूछना है फ्रेंड्स, अब इसके आगे हमारा टूल्स है, ठीक है। ये सब कर लिया है हम लोगों ने, पहले तो सैम्पलिंग है, उसके बाद वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है, ये अभी मैं कंटिन्यू करूंगी। मैं पूछना चाहती थी सैम्पलिंग करवाऊं या सीधा वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में जाऊं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि सैम्पलिंग करवाऊं या वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को बताऊं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सैम्पलिंग पेपर वन के लिए भी पढ़ रहे होंगे तो पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूं तो नो इशू, मैं करूंगी। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि मैं जब करूंगी तो हजारते वगैरह अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ करूंगी, ताकि कभी भूलो नहीं, कीवर्ड्स के साथ करूंगी। बट अगर आपको लगता है कि नहीं अभी नीड नहीं है, आगे कभी और देखना हो तो देख लोगे, तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि टाइम 40 दिन ही बचा है एक तरह से देखा जाए तो, 35 दिन। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे से मेजर क्वेश्चंस खत्म कर दूँ जो बोल सके, तो आप बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में, जरूर बताना, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में बता देना कि कौन सा टॉपिक मैं स्टार्ट करूँ, वैलिडिटी या फिर सैम्पलिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर 6C है फ्रेंड्स,
सिक्स सी में जब स्टैटिस्टिक आएगा तभी हम टेस्टिंग वगैरह यूज करेंगे. सिक्स ए मैंने नहीं उठाया है, इसका पूरा का पूरा पॉइंट छोड़ दिया है, बाद में इसको उठाऊंगी. ठीक है, पहले सिक्स बी के बाद सिक्स सी खत्म कर दूंगी स्टैटिस्टिक, क्योंकि मुझे शुरू करना था तो मैंने सोचा थोड़ा सा बेस देना जरूरी है, इसलिए मैंने सिक्स बी स्टार्ट किया था. ठीक है, फिर हम सिक्स सी स्टैटिस्टिक की ओर बढ़ेंगे. तो आप एक बार जरूर कंफर्म करना कि सैम्पलिंग को लाऊं या फिर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, इस तरह से करूँ. ओके, सो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो पसंद आता है एंड अच्छा लगता है, कंसेप्ट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे. शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड आप लोगों को पेपर वन की बुक की लिंक लेना है तो मैं नवदीप कॉल की जो बुक है क्वेश्चन पेपर बैंक वाली, उसकी भी लिंक और कंसेप्ट वाली बुक दोनों की लिंक डाल दूंगी, जिसमें अभी 2020 से क्वेश्चन आ चुका है. मैं एक दिन सेपरेटली 2 या 3 मिनट का वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चंस बनाया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एमसीक्यू, सारा कुछ है. वेरी बहुत अच्छा है वो बुक. ठीक है, बार बार आप उसे रिविजन चाहो तो कर सकते हो. फाइन, सो गुड डे एंड हैव अ नाइस डे. गुड नाइट फ्रेंड्स, एंड प्लीज अगर अच्छा लगता है वीडियोज को तो लाइक.